हेलो फ्रेंड्स, एशटेक चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। आज हम इस वीडियो में फैन कॉल यूनिट FCU जो है कूलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन इसके सारे कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं वो सही से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा FCU कूलिंग नहीं कर रहा है। इन परिस्थितियों में किस तरह से हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इसमें फैन कॉल यूनिट में ऊपर वाली जो लाइन है रिटर्न लाइन है, और नीचे वाली जो है चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन है जो FCU में इन कर रही है। इसमें एरो मार्क आपको दिख रहा होगा। एक्चुएटर जो है और DRV वॉल जो है हमेशा रिटर्न लाइन में रहते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो, रिटर्न लाइन में यहाँ पे एक्चुएटर और DRV वॉल को कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन DRV वॉल को हमें फ्लशिंग के टाइम में नहीं छेड़ना है, इसको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि इससे पूरा लाइन का वाटर बैलेंसिंग किया रहता है, जिसके कारण DRV वॉल को टच नहीं करना चाहिए। बाईपास वॉल जो हमेशा क्लोज ही रहता है, हमें सिर्फ सप्लाई चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन के गेट वॉल को और चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन के गेट वॉल को क्लोज करना है। चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन में गेट वॉल के बाद स्ट्रेनर रहता है, यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हो आप, इसके अंदर एक स्ट्रेनर है मैश का। स्ट्रेनर को खोलने से पहले हमें चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन में लगे हुए गेट वॉल को और रिटर्न लाइन में लगे हुए गेट वॉल को क्लोज करना है। अभी हमारे चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन के गेट वॉल और रिटर्न लाइन के गेट वॉल जो है क्लोज कर दिए हैं। इसके बाद हमें एक्चुएटर को भी ऑफ करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक्चुएटर जो है ओपन पोजीशन में है, तो इसको अभी क्लोज करेंगे। DRV वॉल को टच नहीं करना है। आप देख सकते हो ये हनीवेल एक्चुएटर है, एक ओपन पोजीशन में है। तो अब हम थर्मोस्टेट से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और एक्चुएटर को क्लोज करेंगे। देखिए, हमारा एक्चुएटर जो है क्लोज हो चुका है। अब हम स्ट्रेनर्स को खोल देंगे। स्ट्रेनर को खोलने से पहले यहाँ पे एक FCU कॉइल में पर्जिंग वॉल दिया हुआ है, यहाँ से हमें जो भी पानी उसमें जो कुछ रहेगा उसको ड्रेन करना है ड्रेन ट्रे में। इसके बाद हमें स्ट्रेनर के जो नट जो है उसको खोलना है, एडजस्टेबल के सहारे या बॉक्स माइनर के सहारे। जब भी हम स्ट्रेनर को खोलते हैं तो उसमें बचा हुआ पानी जो है ड्रॉप होने लगता है, इसलिए हमें प्लास्टिक के बकेट या किसी कुछ भी लेके उस पानी को बकेट में ड्रेन करना है।
जब भी आपको पानी को ड्रेन करना हो तो आप सही साइज़ का जो सॉकेट जो है कनेक्टर जो यूज़ करके पाइप कनेक्ट करके आप सीधा पानी को नीचे ड्रेन में ड्रेन कर सकते हैं। अब यहाँ में देखिए स्ट्रेनर गंदा नहीं था, लेकिन अब इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। सम केसेस में क्या होता है कि स्ट्रेनर जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अब हम चिल्ड वाटर इनलेट लाइन के वो गेट वॉल को खोल के जो चिल्ड वाटर लाइन में है उसको फ्लश करेंगे। उसको एक ही वॉल को इस तरह खोलना है कि एक ही झटके में पानी जो है फोर्स से ड्रेन हो, जिसके कारण उसमें लाइन में जो भी कचरा डस्ट बचा हुआ है वो पूरा बाहर निकले पानी के साथ। इसमें आप देख सकते हैं कि चिल्ड वाटर लाइन में जो मेटल पार्टिकल्स जो हैं, ये देखिए इसमें ड्रेन पानी में निकले हुए हैं, तो इसलिए हमें पूरी तरह से जो मेटल पार्टिकल्स जो भी डस्ट है वो पूरी तरह से क्लियर वाटर जो है आने तक हमें ड्रेन करना चाहिए। हम अब चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन को भी फ्लश कर लेंगे, लेकिन चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन को फ्लश करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुएटर जो है खुला हो, ओपन पोजीशन में रहना चाहिए। चिल्ड वाटर में पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए उसमें केमिकल ऐड किया जाता है, जिसके कारण आपको पूरा क्लियर वाटर तो नहीं मिलेगा लेकिन साफ पानी जो है आपको मिलेगा। तब तक आपको चिल्ड वाटर को फ्लश करना है। जैसे आप देख सकते, देखिए इसमें केमिकल है जिसके कारण इसका कलर जो है आपको डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन इसमें मटेरियल जो मेटल पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं, तो हमें ये पूरा क्लियर पानी आने तक फ्लश करना चाहिए। पूरी तरह से फ्लशिंग होने के बाद हमें स्ट्रेनर को रिटर्न कनेक्ट कर देना है। और चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन के गेट वॉल को खोलना है। उसके बाद जो FCO कॉइल में चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन में जो टॉप में एक पर्जिंग वॉल दिया है उसको खोल के जो लाइन में पानी में जो एयर है उसको रिलीज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन का भी गेट वॉल को खोलना चाहिए। इसके बाद जो चिल्ड वाटर में जो पर्जिंग वाल हमने खोला है पूरा एयर जो है जाने तक वेट करके उसको क्लोज कर देना है। फैन कॉइल यूनिट चिल्ड वाटर सर्कुलेशन साइकिल को देखेंगे, इसमें क्या क्या रहता है। फैन कॉइल यूनिट, एयर पर्जिंग वाल, एक्चुएटर, DRV वाल, गेट वॉल ब्रास का, स्ट्रेनर वॉल, गेट वॉल, बाईपास गेट वॉल। FCO कॉइल में हमेशा चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन जो है बॉटम में रहती है और चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन जो है टॉप में रहती है। एक किसलिए इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इसका वीडियो मैंने दूसरा बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।